सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तेरह मई 2018 रविवार के दिन शिव चतुर्दशी व प्रदोष का महासंयोग। करे एक उपाय और देखे चमत्कार, रोडपति से बन जाएंगे करोड़पति। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13 मई 2018 रविवार के दिन शिव चतुर्दशी और प्रदोष का दुर्लभ संयोग निर्मित हो रहा है। शिव चतुर्दशी भगवान शिव की परम प्रिय तिथि मानी जाती है। इसी के साथ प्रदोष भी भगवान शिव की सबसे प्रिय तिथि मानी गई है। तो दोनों तिथियों का एक साथ संयोग आना बड़ा ही दुर्लभ महासंयोग निर्मित कर रहा है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजन पाठ किया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। महामृत्युंजय के जाप भी इस दिन किए जाते हैं। इसी के साथ इस दिन जो है धन प्राप्ति के लिए भी कई खास उपाय है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पूजन का इस दिन विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस तिथि में भगवान शंकर और माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करता है उसके ऊपर जो है उनकी विशेष कृपा होती है। माता पार्वती और भगवान शंकर जो है इस दिन पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं और भक्तों को मन चाहा फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों हम आपको कुछ ऐसे सरल और सटीक उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने मात्र से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। तो मित्रों हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपको बता दें कि इस व्रत और पूजन में भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है। यह सुबह शाम और सूर्यास्त के बाद भी इस पूजन को किया जाता है। प्रदोष काल जिसे कहा जाता है उस समय पूजन पाठ का विशेष विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। और इस दिन विशेष उपाय यदि आप सायंकाल के समय अर्थात प्रदोष काल के समय यदि आप करते हैं तो आपके लिए जो है यह अति उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। सबसे पहला उपाय है कि आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं और वहां जाकर के भगवान शंकर जी को जो है सफ़ेद चावल और उसके साथ बिल्व पत्र अर्पित कर दें और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं हो और हमारे घर में सभी प्रकार से सुख शांति और समृद्धि हो। दूसरा उपाय है एक काले कपड़े में 1.25 किलो उड़द और उसमें जो है बेसन के लड्डू रख करके और भगवान शंकर जी के मंदिर में अर्पित करके आ जाए। इससे आपकी सारी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इस महासंयोग में गाय को बूंदी के लड्डू खिलाए और गाय के माथे पर कुमकुम या चंदन का तिलक लगा करके गौ माता की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा इस दिन यदि कोई भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान शंकर जी के ऊपर कच्चे दूध चढ़ाता है और कच्चे दूध से अभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। और इस दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में जा करके कोई नारियल यदि अर्पित कर देता है तो उसको जो है भगवान अभय वरदान दे देते हैं क्योंकि नारियल को श्री फल कहा जाता है और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी अर्थात साक्षात महालक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है और भक्तों को मन चाहा फल प्राप्त हो जाता है। इस महासंयोग में कोई भी भक्त यदि भगवान शंकर का गन्ने के रस से अभिषेक करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके घर में कुबेर का खजाना जो है आ जाता है। उसके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं आती है। तो इस महासंयोग में यदि कोई भगवान शंकर जी को पीले रंग के फल अर्पित करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि लगातार होने लगती है।
इस महासंयोग में कोई भक्त यदि लाल कपड़े में मसूर की दाल और गुड़ रख करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में या भगवान भोलेनाथ की जलेरी के ऊपर चढ़ा करके आ जाता है तो निश्चित तौर से वह कर्ज से मुक्त हो सकता है और उसके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं आती है। और यदि उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी से परेशान है, तो भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के पीले कपड़े में पीली सरसों रख करके अर्पित कराए और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, हमारे ऊपर जो भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है उससे हमें राहत मिल जाए। और यदि कोई भक्त नौकरी में पदोन्नति चाहता है या रोजगार चाहता है, व्यापार में उन्नति चाहता है और सभी कार्यों में सफलता चाहता है, तो उसको जो है इस दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में जा करके या फिर अपने घर में जो शंकर जी होते हैं उनको लाल चंदन और बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर से उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, हमने आपको शिव चतुर्दशी और प्रदोष के महासंयोग में करने वाले कुछ अचूक उपाय बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।